पुणे से एक अप्रिय घटना की सूचना मिल रही है, वहां पर एक विस्फोट हुआ है। पुणे से बड़ी खबर आ रही है, ये तस्वीरें मौके की आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में पुणे में ब्लास्ट हुआ है, मौके पर जांच एजेंसियां पहुंच गई हैं, वहां पर सघन जांच पड़ताल जारी है। दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। दीपक, क्या है पूरा मामला, जरा तफसील से बताइए। शायद दीपक से हमारा संपर्क टूट चुका है, हम आपको फौरन बताएंगे और ज्यादा जानकारी देंगे। क्या ये पूरा मामला, पुलिस स्टेशन के पास ये धमाका हुआ है, पुणे में बड़ी खबर आ रही है। पुलिस स्टेशन के पास, जैसा कि तस्वीरों को देखकर लगता है कि यहां पर कुछ बाइक्स भी खड़ी हैं, यहीं पर ये धमाका हुआ है। जांच एजेंसियां पहुंच गई हैं, तमाम सुराग और सबूत तलाशे जा रहे हैं, पूरे इलाके को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, सघन जांच पड़ताल जारी है। सवाल ये, आखिर ये किस तरह का धमाका है, कैसे ये धमाका हुआ, पुलिस स्टेशन के पास पार्किंग में ये धमाका हुआ है। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस धमाके के पीछे किसी तरह की कोई दहशतगर्दी की साजिश है, किस तरह का यह धमाका हुआ है, फिलहाल पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पार्किंग में जहां पर कुछ बाइक्स खड़ी थी, वहीं पर यह धमाका हुआ। फौरन पुलिस को इसकी इत्तला की गई, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पूरे इलाके को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और सघन जांच पड़ताल जारी है। तमाम जांच एजेंसियां जुड़ चुकी हैं, सुराग और सबूत जमा किए जा रहे हैं। और जहां पर यह धमाका हुआ है, आपको बता दें कि पुलिस स्टेशन के पास ही यह जगह है, यानी बगल में एक थाना है। हमारे साथ दीपक दुबे हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या है यह मामला, जरा बताएं क्या जानकारी आप तक मिली है। जी, पुणे के फारस खाना पुलिस स्टेशन के पास में एक पार्किंग लॉट था जहां पे बाइक काफी सारी खड़ी थी और एक बाइक में कुछ समय पहले ही ब्लास्ट हुआ है। डिग्गी की वजह से ब्लास्ट हुआ है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया आखिर डिग्गी में क्या था, किस वजह से ब्लास्ट हुआ है। वहां पे पुणे के पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं, वहां पे एटीएस टीम पहुंची और जांच करी, आखिर जांच की वजह क्या है। हालांकि दो लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं इस पूरे मामले में, वहां पे पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया इलाके को और जांच की जा रही है आखिर इस ब्लास्ट की वजह क्या है। जी, इंटेंसिटी कैसी थी इस धमाके की, कुछ पता चल पा रहा है कि तीव्रता कैसी थी धमाके की? जी, एटीएस सूत्रों की माने तो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया आखिर ब्लास्ट की वजह क्या थी, किस वजह से ब्लास्ट हुआ है, क्या एक्सप्लोसिव ब्लास्ट था। आखिर पूरे मामले की जांच एटीएस और पुणे पुलिस कर रही है, कुछ ही समय बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस ब्लास्ट की वजह क्या थी। तो ये धमाका जो हुआ, दीपक क्या जानकारी मिल पा रही है, बाइक के अंदर कुछ रखा हुआ था उससे धमाका हुआ है? जी, इस मामले की जांच की जा रही है। आखिर जो जो पुणे पुलिस कमिश्नर से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कह रहा है कि आसपास हो सकता है कुछ संदिग्ध वस्तु हो या फिर बाइक में कुछ खराबी हो या हो सकता है कि डिग्गी में कुछ रखा हो उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन अभी इस पूरे मामले की जांच पुणे पुलिस और एटीएस कर रही है, कुछ ही समय बाद ये साफ हो पाएगा आखिर इस ब्लास्ट की वजह क्या थी जिसकी वजह से दो लोग इंजर्ड हुए हैं। हालांकि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जांच की जा रही है, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे हैं, वही जो आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें खंगाला जा रहा है, पूरी तरीके से जांच की जा रही है, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस ब्लास्ट की वजह क्या थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए दीपक दुबे आपका, इस खबर पर नजर बनाकर रखिए और जैसे ही कोई और जानकारी मिलती है हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया।